पूर्वी लद्दाख में LAC पर करीब एक महीने से जारी गतिरोध के समाधान के लिए भारत और चीनी सेना के बीच शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। समाचार एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत ने चीन से अपने जवानों को इलाके से हटाने की मांग की है। हालांकि सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है, ना तो इसकी पुष्टि हुई है। वहीं समाचार एजेंसी ANI ने कहा है कि सेना बातचीत के ब्यौरे को विदेश मंत्रालय और सरकार से संबंधित अधिकारियों से साझा करेगी। बता दें कि लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच कुछ दिन पहले तीखी झड़प की भी खबर आई थी, जिसमें दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हो गए थे। हालांकि 1993 के बाद दोनों देशों के बीच गोलीबारी की नौबत आज तक नहीं आई है। इसके पीछे की वजह है एक संधि जो 1993 में उस समय हुई थी जब PV नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और चीन की यात्रा पर गए थे। इस समझौते के तहत 9 बिंदुओं पर आम सहमति बनी थी, जिसमें से 8 बहुत महत्वपूर्ण माने गए थे। समझौते को भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री RL भाटिया और तत्कालीन चीनी उप विदेश मंत्री तांग जिया शुआन ने साइन किया था। भारत चीन सीमा के प्रश्न को शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण परामर्श के जरिए हल किया जाएगा। किसी भी जरिए से दूसरे पक्ष के खिलाफ बल या सेना प्रयोग की धमकी देने या इसके प्रयोग की धमकी नहीं दी जाएगी। दोनों पक्ष सख्ती से सीमा का सम्मान करेंगे और दोनों देशों के बीच स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं की गतिविधियां वास्तविक नियंत्रण रेखा से आगे नहीं बढ़ेंगी। अगर एक पक्ष के जवान वास्तविक नियंत्रण की रेखा को पार करते हैं तो दूसरी तरफ से सावधानी बरतने पर वो तुरंत वास्तविक नियंत्रण रेखा से वापस चले जाएंगे। जब जरूरी हो तो दोनों पक्ष संयुक्त रूप से वास्तविक नियंत्रण की रेखा के हिस्सों की जांच और जहां पर उनके मतभेद हैं उसका निर्धारण किया जाएगा। इस तरह दोनों देशों के बीच कई ऐसे बिंदुओं पर सहमति बनी थी जिससे सीमा पर किसी भी तरह की हिंसक घटनाएं ना हो सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।